हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। यहाँ मैं योगी सरकार की एक बड़ी न्यूज़ आपके सामने लेके आई हूँ, जो है आयोग के भ्रष्ट अधिकारी सरकार के निशाने पर, राजवीरो प्रयागराज की ये न्यूज़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भ्रष्टाचार मुक्त करने को सरकार प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचारी अधिकारी व कर्मचारी सरकार के निशाने पर हैं। PCSJ 2018 के अभ्यर्थियों से लखनऊ में अपने सरकारी आवास में शनिवार को मुलाकात के दौरान योगी जी ने कहा कि आयोग में हुए भ्रष्टाचार की जांच STF कर रही है। LTTE शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अभियुक्त कौशिक कुमार व उसके प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। योगी ने बताया कि सरकार ने आयोग को LTTE ग्रेड परीक्षा परिणाम जारी करने से मना किया था, लेकिन आयोग स्वायत्तशासी संस्था है, इसलिए उसने परिणाम जारी कर दिया। प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी आशीष पटेल ने बताया कि योगी से PCSJ 2018 की परीक्षा में धांधली होने की शिकायत करके उन्हें उससे जुड़े कुछ प्रमाण पत्र दिखाए गए। इस पर योगी जी ने कहा, प्रतियोगी छात्रों के साथ न्याय होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार ने डॉक्टर प्रभात कुमार जैसे ईमानदार व सख्त अधिकारी को आयोग का अध्यक्ष बनाया है। जल्द ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आयोग में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है, उचित कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। योगी जी ने कहा कि PCSJ मामले में वह आयोग के अध्यक्ष से बात करके उचित कार्रवाई को कहेंगे। अभ्यर्थियों से उन्होंने आयोग अध्यक्ष से मिलने को कहा है। प्रतिनिधित्व मंडल में KP सिंह, जितेंद्र मिश्र, मनोज, अनुपम सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह शामिल रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की जानकारी। अगर ये आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। कृपया इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।